हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज के व्लॉग में मैं कराने वाली हूँ अपने कॉलेज का टूर। हाँ जी गाइस, मैं अपने कॉलेज का टूर कराने वाली हूँ। गाइस, मेरा कॉलेज है नॉलेज पार्क के ठीक सामने और ये है हमारा एंट्री गेट। गाइस, यहीं से हम लोग की एंट्री होती है गलगोटिया के अंदर। मैं आपको पहले ही बता दूँ गाइस, अगर आपके पास गलगोटिया का आईडी कार्ड नहीं है तो ये लोग आपको गेट पर ही रोक लेते हैं, क्योंकि गलगोटिया में जाने से पहले ये लोग आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं। तो मेक श्योर आप लोग के पास आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं गलगोटिया के अंदर। वैसे देख सकते हो गलगोटिया का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं फर्स्ट डे आई थी। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो गाइस, जिन जिन लोगों ने गलगोटिया के अंदर पहले से ही विज़िट कर रखा है वो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को हमारा कॉलेज कैसा लगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक गलगोटिया में विज़िट नहीं किया तो चलो एक बार उनको अच्छे से विज़िट कराते हैं गलगोटिया के। ये जो सामने आप ग्राउंड देख रहे हो गाइज़, इसे हम लोग कहते हैं सीडी ग्राउंड। अब आप लोग कहोगे इसे सीडी ग्राउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि गाइज़ ये सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए इसे हम सीडी ग्राउंड कहते हैं। हमारे कॉलेज में दो मेन ग्राउंड है गाइज़ जो बहुत बड़े बड़े हैं। ठंड के टाइम पर तो यहाँ पर जगह ही नहीं बचती कि आप बैठ के आराम से लंच कर पाओ, क्योंकि ठंड के मौसम में पूरा फुल हो चुका हो रहता है। वैसे कुछ भी बोलो गाइज़, आप लोग खुद देख सकते हो हमारे कॉलेज ने कितना अच्छा क्लीननेस का कितना अच्छा ख्याल रखा हुआ है, हर जगह कितना साफ सुथरा मेंटेन कर रखा है हमारे कॉलेज ने। बाकी कॉलेजेस की हालत आप देख सकते हो, बट हमारे कॉलेज को आप किसी कॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कॉलेज बहुत बेस्ट है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो गाइज, ये है गर्ल्स हॉस्टल जो कि हमारे कैंटीन के ठीक सामने है। और ये है हमारी कैंटीन, यहाँ पे आप कभी भी आओ गाइज, कभी भी, मतलब 9 से 5 के बीच में कभी भी आओ, यहाँ पे आपको हर टाइम रश दिखेगा, हर टाइम। तो चलो गाइज, चलते हैं क्लासेस की तरफ। मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी क्लासेस कहाँ लगती है। ये जो सामने आप ब्लॉक देख रहे हो गाइज, ये है हमारा ए ब्लॉक जो कि है एडमिन ब्लॉक। उसके ठीक सामने जो आप सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो गाइज, ये है हमारी बी ब्लॉक, और इसके बैक साइड है हमारा सी ब्लॉक। हाँ जी गाइज, यही है हमारी सी ब्लॉक जो कि है मेरी ब्लॉक। हाँ जी गाइज, बहुत कष्ट है ज़िंदगी में। जिन जिन लोगों की थर्ड फ्लोर पे क्लासेस लगती है गाइज, उन्हें ही पता चलेगा हम लोग की तकलीफ़, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं बचती लंच टाइम के बाद कि मैं दोबारा से थर्ड फ्लोर चढ़ूँ और क्लासेस अटेंड करूँ। बट क्या करूँ गाइज, सच बताऊँ ये अटेंडेंस का चक्कर ना होता ना, मैं तो क्लासेस लेती ही नहीं। बट मैं आपको क्या बताऊँ, गलगोटिया में एक चीज़ है, अगर आपकी 75 अटेंडेंस नहीं है तो आपको सेशनल में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। आपको ये सेशनल नहीं देने देते, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स पे भी कॉल जाता है कि लेटर भी जाता है घर पर कि आपके बच्चे की अटेंडेंस है नहीं, इस वजह से वो सेशनल नहीं दे रहे हैं। तो बहुत तकलीफ। और ये है हमारी ई ब्लॉक गाइज, हमारे कॉलेज में सब कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो ये है हमारी ई ब्लॉक। इसको बेसिकली गाइज अमीरों वाला ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लासेस मिलना बहुत ही किस्मत वाली बात है गाइज, क्योंकि इस ब्लॉक में है फुल टू फुल एसी। पहले हमारी क्लासेस भी यहीं लगा करती थी गाइज, अब यहाँ पर सेकेंड ईयर वालों की क्लासेस लगा दी है, और सीएससी कोर वालों की क्लासेस भी यहीं लगा करती है। अरे यार, कोर को इज्जत नहीं देंगे तो क्या किसको देंगे ये लोग। और ये है हमारा ई ब्लॉक का छोटा सा अरीना, जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही प्यारा नाम दे रखा है कॉलेज वालों ने इसे, अरीना। यहाँ पे बच्चे बैठ के बहुत सारी गॉसिप्स करते हैं। तो चलिए गाइज, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेके चलते हैं आपको डी ब्लॉक की तरफ। ये हमारा डी ब्लॉक गाइज, यहाँ डी ब्लॉक में गाइस बेसिकली यहाँ पे एडमिशन से लेके काउंसलिंग से लेके प्लेसमेंट तक सारा काम होता है, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाती है। जब हम लोग गए थे डी ब्लॉक तो यहाँ पे प्लेसमेंट चल रही थी, फोर्थ ईयर वालों की कंपनीज आ रखी थी, जिस वजह से एंट्री हम लोग की बंद कर रखी थी, वरना मैं आपको डी ब्लॉक भी दिखाती। वैसे बहुत अच्छा है, सारे ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं। तो गाइज, हमारा कॉलेज इतना बड़ा है, कहीं से भी आओ, कहीं से भी आप पहुंच जाओगे मेन गेट पे, बहुत बड़ा है, लेकिन एंट्री गेट हमारे कॉलेज का एक ही है। तो अब सारे ब्लॉक्स मैंने कवर कर दिए, तो अब चलते हैं हमारे जी ब्लॉक की तरफ।
जी ब्लॉक में गाइज, हाँ ये मेन रास्ता है जी ब्लॉक की तरफ, और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं यही हमारा मेन ग्राउंड है गाइज। मैंने दो ग्राउंड की बात करी थी, एक ये वाला, एक सीडी ग्राउंड, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और ये जो सामने आप बस देख रहे हो, ये हमारे कॉलेज की ही बस है। तो चलिए गाइज, मैं लेके चलती हूँ आपको जी ब्लॉक की तरफ। पहले यहाँ पे गाइज डिप्लोमा की क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाती थी, और अब तो सारी क्लासेस डिप्लोमा की यूनिवर्सिटी शिफ्ट करा दी है, क्योंकि गाइज मैंने यहीं से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और अब भी मैं अपना यहाँ से बीटेक कर रही हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे पहले क्या सीन था और क्या नहीं है। अब आप लोग कहोगे इतना प्यार, हाँ जी गाइज ये बहुत अच्छा कॉलेज है अकॉर्डिंग टू अदर्स कॉलेज, यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह का बहुत अच्छा सीन है। इसी रीज़न की वजह से मैंने सोचा चलो अपना ग्रेजुएशन भी इसी कॉलेज से कम्प्लीट करते हैं। सो गाइज ये था मेरा कॉलेज, तो कैसा लगा आप सभी को मेरा कॉलेज, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मेरा कॉलेज पसंद आया कि नहीं। और जिन जिन लोगों को क्वेरी है कॉलेज से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर दूँ। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया हो।